बिग बॉस से मशहूर होने वाले ताजिकिस्तानी गुलकार और इन्फ्लुएंसर अब्दुल रोजिक ने अपनी मंगेतर से शादी ना करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। ताजिकिस्तानी गुलकार जिन्होंने बिग बॉस के 16वें सीजन में शिरकत करके काफ़ी शोहरत हासिल की थी, अब अचानक अपनी मंगनी ख़त्म करने और अमीरा से शादी ना करने का ऐलान किया है। अब्दुल रोजिक और इनकी मंगेतर दोनों ही 20 साल के हैं और इन्होंने अप्रैल में अपनी मंगनी का ऐलान किया था। अब्दुल रोजिक ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ रहा है कि मैंने अपनी शादी का इरादा मनसूख कर दिया है। अपने इस सफ़र के दौरान हमने महसूस किया कि हमारे दरमियान तकाज़ों का काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। पस्ता कद गुलकार ने मज़ीद लिखा, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हर काम पुरअज़म तरीके से करने वाला शख्स हूँ और ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस होते हैं। अब्दुल रोजिक का मज़ीद कहना था, मुझे दिमागी तौर पर नहायत मजबूत और मुतवाज शरीक हयात दरकार है जो मेरे साथ चैलेंजेस के हिसाब से चल सके। ख्याल रहे, भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस के 16वें सीजन में शोहरत हासिल करने वाले अब्दुल रोजिक ने इससे कबल भी अपनी शादी की तकरीब मुलतवी की थी। इन्होंने इसी साल मई में फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी मंगनी की तस्वीर जारी की थी, साथ ही इन्होंने अपनी शादी की तारीख का ऐलान भी किया था। तहम अब भारतीय मीडिया ने बताया था कि अब्दुल रोजिक ने अहम मसरूफियात की वजह से शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। इनकी शादी रवां साल 7 जुलाई को नहीं होगी। भारतीय मीडिया का कहना था कि अब्दुल रोजिक ने शादी मुलतवी होने की वजह बताते हुए कहा है कि इन्हें पहले बॉक्सिंग मैच की पेशकश हुई है जो कि दुबई में 6 जुलाई को होगा।